झांसी पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकारी मऊ रानीपुर को आवेदन देते हुए बताया कि उसकी बेटी के ससुराली जनों द्वारा अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपए की मांग करने ना देने पर उसकी बेटी के साथ प्रताड़ित करने से उसकी हालत खराब होने पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाने का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया। नाम है आपका? सावित्री। कहाँ की रहने वाली हो? जतारा के पास लिगोरा है सर। क्या समस्या हो गई आप? हमारी लड़की का मार होगा सर। किसने? ये गोपालगंज मोहल्ला में रहता है, लड़का का नाम पारस है, आर्मी में लड़का था, दूसरी लड़की से आके लगा रखी थी सर, उसने हमारी लड़की को मार दी। हाँ। आपने इसकी शिकायत की है? शिकायत की है, यही आए हैं थाने में। हाँ। क्या क्या आपको बोला गया है? बोला गया इसमें पेपर में लिखा साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, उसी में लिखा गया साहब, हमारी जवान लड़की अभी 25 साल की भी नहीं हुई थी हमारी लड़की, और हमारी लड़की को मारा साहब। श्रीमान जी हमें कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, हमारी लड़की का इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, हमारी लड़की ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो इनने हमारी लड़की को। कब की घटना है ये? 10 तारीख की। 10 जैसे लड़की हमारी कोई भी दिक्कत होती तो हमें फोन कर देते, हम ना आते तो तुम चार को सुनाते कि इनके माँ बाप आ नहीं रहे, हमें सुनाते हम बेटा को ले जाते, जैसे हम भूखे रहते हमारा बेटा भूखा ले लेते। जो लड़की का छोड़िया 20 रास्ता में 2 किलोमीटर दूर दिल्ली में, जब मोड़ी का होशिया हमारे, जब मोड़ी ने फोन लगा के मम्मी जे तो छोड़ के भाग गए हम, अब हमारी हल्की मोड़ी गई सब टैक्सी लेगा बेटा का, टैक्सी में उठा के हॉस्पिटल तक लेगा, खेत्रपाल हॉस्पिटल में खत्म हो गई हमारी लड़की। जो दारू मीट मछली खा रहे अच्छे भाभी भैया का पता तो कितने रह रहे हैं।